डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बीएएमएस की कॉपी बदलने के मामले में हरिपर्वत थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से तीन कॉपी बरामद हुई है। पूछताछ करने के बाद पुलिस इस प्रकरण में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय छलेसर कैंपस के बाहर बीएएमएस की कॉपी बदलकर दूसरी कॉपी रख दी गई थी। मामले का राज खुलने पर खलबली मच गई थी। कॉपी बदलने के मामले में मुकदमा लिखने के बाद पुलिस इस प्रकरण में शामिल लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है। हरिपर्वत पुलिस ने खंडारी ओवरब्रिज से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर तीन कॉपी बरामद हुई है। पकड़ा गया दुर्गेश ठाकुर मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है और महेशपुरम सिकंदरा में किराए पर रहकर विश्वविद्यालय में दलाली करता चला आ रहा था। उसका साथी पुनीत कोतवाली कासगंज का रहने वाला बताया गया है। बीएएमएस का छात्र पुनीत कॉपी लिखने के साथ बदलने का कार्य करता था। आगरा पुलिस थाना हरिपर्वत में पंजीकृत बीएएमएस कॉपी बदलने के फर्जीवाड़े मुकदमे में निरंतर कार्य कर रही है और आगरा पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सुराग मिलते ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है दुर्गेश ठाकुर पुत्र प्रकाश सिंह, जिला जौनपुर का रहने वाला है और उसका हाल निवासी पता महर्षिपुरम थाना सिकंदरा है, और दूसरा व्यक्ति है पुनीत पुत्र रामलखन सिंह, ये कोतवाली कासगंज का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसमें कई लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पकड़े गए दुर्गेश ठाकुर ने पुलिस को बताया कि राहुल पाराशर, पुनीत, रंजीत, जयंत, अशरफ यूनिवर्सिटी में बीएएमएस के छात्र हैं। सभी लोग नंबर बढ़वाने के नाम पर छात्र छात्राओं से पैसे लेते थे। इसके साथ ही फेल छात्र छात्राओं से पैसे लेकर दूसरी कॉपी बदल कर रख दी जाती थी। इस तरह का फर्जीवाड़ा काफी समय से चल रहा था। पुलिस इससे पहले भी कई युवकों को जेल भेज चुकी है। पहला व्यक्ति दुर्गेश ठाकुर है, ये एक दलाल किस्म का आदमी है और ये बच्चों से पैसे लेकर कॉपी बदलवाने का ठेका लेता था, और इसके साथ साथ जो अभी तक हमारे संज्ञान में आया है ये पूरा मामला कि ये लोग कॉपियाँ लिखते थे और उन कॉपियों को बदल दिया करते थे। तो ये वह व्यक्ति है कि जो कि कॉपियों को लिखवाने का भी कार्य करता था, और इसके पास से हमें कुछ ऐसी कॉपियाँ ही बरामद हुई हैं जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा पुनीत पुत्र रामलखन, ये बीएएमएस का छात्र है और ये राइटर का काम करता है। जो कॉपियाँ दूसरे के हैंडराइटिंग में लिखी होती हैं, जिन पे बड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उन कॉपियों को खुद लिखने का काम करता है और अपने कुछ सहयोगियों के साथ इसे लिखता है। इसके बयानों में कुछ और नामों का खुलासा हुआ है। पुलिस उन सभी तथ्यों को पहले तस्दीक करेगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करेगी। पकड़े गए युवकों से जानकारी हासिल कर पुलिस इस प्रकरण में शामिल गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ एसआईटी ने भी जांच के लिए विश्वविद्यालय में डेरा डाल रखा है। कॉपी बदलने के मामले में अभी कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।